हेलो, इस समय हम चित्रकूट से भरतकूप की ओर जा रहे हैं। आज हमारी जर्नी का सेकंड डे है, सेकंड इनफैक्ट थर्ड डे है। फर्स्ट डे तो हो गया जब हम दिल्ली से चित्रकूट पहुंचे, सेकंड डे हम चित्रकूट में घूमे, थर्ड डे हम भरतकूप जा रहे हैं। यहाँ से अब आगे हम कालिंजर फोर्ट, उसके बाद बांदा, उसके बाद रात को महोबा पहुँचने वाले हैं। कल मैं बहुत लोगों से पूछ रहा था कि यहाँ से जब हम चलेंगे तो रास्ते में नाश्ता कहाँ करेंगे, तो सबने बोला कि ऐसा ढाबे वगैरह आएंगे, बाकी आप कहीं पे रुके कर लेना, परांठा वगैरह खा लेना। तो अब हम देख रहे हैं, लेकिन हमको ना रास्ते में कोई ढाबा दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे को ध्यान में आया कि इनपुट्स में मुझे किसी ने ना ये लिख बताया था पॉइंट। अब मैंने लिख तो लिया था मारवाड़ी ढाबा बेडी पुलिया पे, ना ऑथेंटिक बुंदेलखंड का खाना यहाँ मिलेगा। तो लेकिन अब मसला क्या हो गया कि फिर मैंने बाद में ध्यान दिया तो लंच और डिनर की ऑप्शन है, तो इसका मतलब है 11-12 बजे के बाद ये स्टार्ट होगा। एनीवेज, अभी शीट से आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि हम कितनी बारीकी से प्लानिंग करते हैं। जैसे ये कल 4 अप्रैल थी, 4 अप्रैल की शीट में ये पूरे दिन थे, तो इसमें मैंने ऐसे लिख लेता था ये एमपी के पॉइंट्स हैं, ये यूपी के पॉइंट्स हैं, जस्ट फॉर माई नॉलेज। और आज ये 5 अप्रैल है, तो ब्रेकफास्ट एट चित्रकूट वेयर पे क्वेश्चन मार्क है। कहाँ नाश्ता करना है वो नहीं मालूम, लेकिन नाश्ता करना है। ये इतनी बारीकी से हम लोग चीज़ें लिखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद चित्रकूट से कालिंजर जाएंगे, बांदा जाएंगे, इसमें मैंने लिखा नहीं था भरतकूप, लेकिन वो बाद में मैंने ऐड कर लिया। फिर वामदेव टेम्पल, सोहन हलवा एड बांदा, तो फिर ये सब महोबा के पॉइंट्स हैं। तो ऐसे हर दिन की इंडिविजुअल शीट है पूरी जर्नी की, और ये उसकी समरी है। ठीक है, तो इस तरह की शीट मैं हमेशा हर टूर्स करते समय कैरी करता हूँ। वैसे तो गूगल ड्राइव में सब चीज़ें सेव होती हैं, वहाँ पर कभी भी देख सकते हो, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, मोबाइल पे देखना उतना फ्रेंडली नहीं होता, गाड़ी चलते में थोड़ा हिलता है ना, तो मैं ये ओल्ड फैशन तरीके से ज़्यादा पसंद करता हूँ, इस तरीके से प्रिंटआउट्स लेके चलना। एनीवेज, अब नाश्ता करेंगे 15-20 मिनट, उसके बाद भरतकूप में 45 मिनट के आसपास रुकेंगे, तो कालिंजर फोर्ट पहुँचते पहुँचते 10:30 और 11 के बीच का टाइम हो जाएगा। और मेरा मेन इंटरेस्ट ये है कि कालिंजर फोर्ट के बाद मैं बांदा मिस नहीं करना चाहता, तो ऐसा ना हो कि कालिंजर फोर्ट हम शाम को 5 बजे 6 बजे तक रुके रहे और बांदा आज हमारा मिस हो जाए। थोड़ी टाइम मैनेजमेंट हमको अच्छी करनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाश्ता करने के लिए ना हमने सामने यादव ढाबा पे गाड़ी रोकी है, आलू पराठा रेडी हो रहा है। इतनी देर में आप हमें महुआ दिखा दो भाई जी, ये आपके हाथ में है ना जी। अभी रास्ते में आते हुए हम बड़े सारे महुआ के पेड़ देख रहे थे, और पेड़ के नीचे बहुत महुआ गिरा हुआ था, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना। तो दोस्त एक बात बताओ जी, अब ये महुआ का आप क्या करोगे, मतलब आप मतलब जो भी लेके जाए सुखाएंगे हम, सुखा के इसकी अभी वो डोहड़ी बनती है, हम खाते हैं इसको। इसको खाओगे जी? कैसे सर? इसको पकाएंगे, पहले झुराएंगे, फिर पका धुलेंगे, फिर पकाएंगे, पकाए के बाद उसे खाएंगे, माठे और इसको छाछ को और इसको। अच्छा। हाँ, और इसकी दारू बनती है। हाँ हाँ, हम लोग बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जब ट्रैवल करते हैं, छत्तीसगढ़ में सफ़र करते समय, वहाँ हमने महुआ की दारू कैसे बनती है वो खुद देखी थी, और उसका शूट भी किया था, वो आप छत्तीसगढ़ बस्तर एपिसोड में देख सकते हो। यार ये है सही, आपने मतलब मट्ठा के साथ इसको खाते हो? जी मट्ठा के साथ हम खाते हैं। तो अभी टेस्ट करना चाहें तो वो हुआ पड़ा आपका? सर सूखा नहीं है, और तो टेस्ट कर सकते हो। वो कड़वा कैसे पता भाई आपको, ये मीठा और वो कड़वा? सर इसको ऐसे ही खा लेते हैं, ऐसा खा लेते हैं। इसके पुआ भी बनते हैं, मीठा है, हम पुआ भी बनाते हैं। क्या बनाते हो? पुआ, पुआ मीठे पुआ बनते हैं इसके। पुआ क्या होता है? सर इसको पीसा जाता है सिलौट में, इसके आटे में सान के फिर तेल में फ्राई करके पुआ रोटी की तरह, पराठा जैसे आलू के बनते हैं वैसे ही। वैसे ही। यानी इनको बोल के बनवा दो हमारे लिए। सर सूखा नहीं है? सूखा बिल्कुल नहीं है क्या? नहीं सूखा, हमारा ये महुआ यहाँ हमारे ही है ही नहीं है, गाँव जाना पड़ेगा, गाँव से लाना। भैया थोड़ा पानी दो। तो ये मैं से खा लूँ जी? बस मीठा तो है, स्वादिष्ट भी है। लास्ट टाइम बस्तर में जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने इस प्रकार से महुआ नहीं खाया था, जितना आनंद मेरे को यहाँ पे आ रहा है, अच्छा लग रहा है। परांठे की वेट कर रहे थे, तो मेरी मुलाकात विक्की से हुई है। आपने बताया कि सामने जो एम्बुलेंस खड़ी है जी सर, आप
इसमें आए हो और आप टेक्नीशियन हो जी सर, ड्राइवर आपके साथ है जी। तो राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली से आप चले जी, यहाँ पर आपको आपने पेशेंट को ड्रॉप किया जी, अब आप नाश्ता करके वापस दिल्ली जाओगे जी सर, कंटिन्यू। तो इस प्रकार से आप दूर दूर काफ़ी जाते होंगे पेशेंट को ऑल इंडिया छोड़ने के लिए? ऑल इंडिया सर जाते हैं सर। साउथ तक जाते हो? जी साउथ भी जाते हैं, चेन्नई, नेपाल अपना, इधर गुजरात, उधर अरुणाचल प्रदेश। लास्ट 3200 किलोमीटर मैं खुद चला हुआ इस गाड़ी पे। 3200 किलोमीटर जी सर। तो इसमें तो आपके 20-30 घंटे लग जाते होंगे? जी सर आराम से। तो कैसे मैनेज करते हो, इतनी ऑक्सीजन होती है आपके पास कि 30 घंटे नॉनस्टॉप चल सके? हमारे पास 24 घंटे का बैकअप होता है और हम ऑनलाइन किसी भी स्टेट से बुक कर सकते हैं पहले ऑक्सीजन, और फिर हमें मिल जाती है। एक बार एम्बुलेंस देख सकते हैं? बिल्कुल सर आइए। ये ऑक्सीजन पैनल है। हाँ। इसमें दो ऑक्सीजन बड़े लार्ज होते हैं डी टाइप, जो 24 घंटे का बैकअप देते हैं हमें। अच्छा जी। अच्छा ये सर हमारी आईसीयू गाड़ी है, मिनी आईसीयू है, जिसमें सारा इक्विपमेंट मिलता है, वेंटिलेटर से लेके मॉनिटर से लेके सक्शन मशीन से लेके स्ट्रेचर और जितने भी हाई रिस्क की मेडिसिन है सब चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है आपको। अब जैसे आप रात को आज दिल्ली पहुंचोगे जी सर, रात तो हो ही जाएगी जी जी सर, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कोई क्रिटिकल पेशेंट दोबारा हो और आपको दोबारा चलना पड़े? जी बिल्कुल सर, अगर हमारे पास 3 गाड़ियां हैं तो 3 अगर 2 गाड़ियां अगर निकल जाती हैं तो इसको भी निकालना ही पड़ता है सर। तो यानी आपका एक तरह से हमेशा ही तैयार हो आप, 24 घंटे कभी भी कॉल आ सकती है कि चलो। जी सर 24 आवर्स की ड्यूटी है सर हमारी। दिल्ली में जैसे हम रहते हैं तो कभी कभी हम ऐसा नोटिस करते हैं, हमेशा नहीं कभी कभी, कि एम्बुलेंस का सिग्नल चल रहा है लेकिन रास्ता तुरंत नहीं उनको दिया जा रहा जी सर, ऐसा आप लोग महसूस करते हैं? जी बिल्कुल सर, कई जगह हमने देखा है दिल्ली में भी और अदर सिटी स्टेट हर जगह मतलब देखा है कि लोग जो है रास्ता नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं कि वो सिर्फ गाड़ियों में गाने बजा रहे हैं बस, और फिर उनको कुछ नहीं दिखाई देता पीछे, रूल्स फॉलो नहीं करते बहुत कम। इसका चार्ज भी है सर, अगर इसका फाइन भी है, अगर कोई अगर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता तो 10,000 का फाइन है उस पर। सबसे मेन बात है ये, तो देखो एक कॉमन सेंस की तौर पे हम सबको समझना चाहिए कि अगर एम्बुलेंस है तो ऑब्वियस है पेशेंट है, और उस समय उस मूवमेंट पे पेशेंट से बड़ी प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है जी, जी। और वो भी क्रिटिकल पेशेंट, क्योंकि एम्बुलेंस में जी सर, इसमें सर लगभग क्रिटिकल पेशेंट ही जाता है क्योंकि ये आईसीयू गाड़ी है सर। स्वाभाविक जी, स्वाभाविक है। अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर, साथ में आपने सब बताया हमारे को कैसे आप चलते हो। ठीक है जी, आपका भी पराठा रेडी हो गया होगा। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस समय हम बांदा आ चुके हैं, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ना सामने रेलवे स्टेशन है बांदा का। मैं ये चाहता था कि कोई हमें भूरागढ़ फोर्ट विजिट करने में गाइड कर दे, तो हमारी मुलाकात अभी हुई है ताते जी से। पापे जी एक चीज़ बताइए जी, आप क्या काम करते हैं, टूरिज्म से जुड़ा हुआ कुछ काम है आपका? नहीं नहीं, मैं सिर्फ ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, तो हमें ना भूरागढ़ फोर्ट विजिट करने के लिए कोई ऐसे पर्सन से हमें मिलवा सकते हैं जो जानकारी रखते हो? हाँ, एक हमारे बांदा के समाज सेवी हैं कश्यप जी, वो यहाँ के बारे में हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं। मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाई दे रहा हूँ और चल कर वहाँ तुरंत भूरा। अच्छा, भूरागढ़ फोर्ट कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, बहुत नज़दीक है। हाँ कश्यप जी से हमारी मुलाकात हो गई है, तो हम आपके साथ फोर्ट तक चलते हैं जी। थोड़ा फोर्ट की विषय में आप हमें जानकारी दे दीजिएगा जी जी जी, और उसके बाद हम चाहते हैं कि एक तो यहाँ पे सोन हलवा फेमस है वो खा लें, और साथ में बामेश्वर महाराज का मंदिर है यहाँ। हाँ, ऋषि बामदेव का मंदिर है, और जिससे बामेश्वर पर्वत का नाम पड़ा, और वहाँ पर वो मंदिर मौजूद है, वो सामने वाला। हाँ, प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है हजारों साल से। ऋषि बामदेव त्रेता युग में जीवित थे,
जिसके नाम से ये बांदा नगर का नाम जो है बांदा नगर पड़ा बामदेव के नाम पर। तो हम वहाँ पर अगर अंधेरा हो गया तो जा सकते हैं? बिल्कुल मतलब कहने का अगर फ्री हो बिल्कुल जा सकते हैं, सब हजारों बार गए हुए लोग। चलो हर व्यक्ति जाता है। सही है, तो हम फोर्ट तक जाएंगे कैसे? चलिए हम चल रहे हैं ना। अच्छा इधर से निकल जाएंगे? मैं चल रहा हूँ। अब एक चीज बताइए, इस किले का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है, किसने बनवाया ये किला? 1641 में पन्ना के राजा छत्रसाल के जो दूसरे नंबर के पुत्र थे जगतराज, उन्होंने इस किले की नींव को रखा था और बुंदेलखंड की निगरानी चौकी के रूप में इस किले को बनाया था। छत्रसाल जब 82 साल के हो गए और इलाहाबाद के मुगल सूबेदार ने उन पर हमला कर दिया, तब सहायता के लिए पेशवा बाजीराव को बुलवाया था। पेशवा बाजीराव ने उनकी आकर मदद की और मोहम्मद बंगस को हराया। तब प्रसन्न होकर छत्रसाल ने बांदा करबी कालिंजर दुर्ग झांसी का हिस्सा और मस्तानी बेगम पेशवा बाजीराव को दे दी थी। और पेशवा बाजीराव को दे दी तो बांदा भी पेशवा बाजीराव के हाथ में चला गया और उसी पेशवा बाजीराव का चौथी पांचवी पीढ़ी का वंशज था 1857 में अली बहादुर सानी, जो बांदा का नवाब था। तो आपने मस्तानी बताया, बाजीराव मस्तानी फिल्म, वो तो फिल्में भी बनी है और बहुत सारी कहानियां भी लिखी, फेमस काफ़ी पॉपुलर फिल्म हो गई। तो वो लड़की थी महाराजा छत्रसाल की, छत्रसाल की लड़की जैसी थी, क्योंकि उसकी माँ जो है रूहानी बेगम आगरा के मुगल सूबेदार तैवर खां की नगर वधू थी, जिसे छत्रसाल जीत कर ले आया था। तब मस्तानी की उम्र 3 वर्ष थी, इसलिए अब उसकी माँ को रख लिया, तो वो जो बच्ची थी वो छत्रसाल की बच्ची थी, वो उसने पेशवा बाजीराव को दी थी। अच्छा, इस किले के मतलब इस बांदा के साथ साथ उसको भी दे दिया था। तो यानी इस किले पे कंट्रोल हो गया पेशवा बाजीराव और उनके आने वाली जनरेशन का। उनका हो गया। 8 मई 1857 को जब जनरल हिरोज ने झांसी को घेर लिया तो झांसी की रानी ने अपने धर्म भाई, चूंकि उसी वंश का ये भी था, पेशवा के वंश की वो भी थी, वो भी था, तो उसने राखी और चिट्ठी बांदा नवाब को मदद के लिए भेजी थी। तब बांदा नवाब ने यहीं एक मीटिंग की थी अपने अधिकारियों को लेकर, तो ये तय हुआ कि हम लोग झांसी की रानी की मदद में जाएंगे। लेकिन बांदा नवाब 12,000 सेना लेकर जब चले, तब तक एक दिन की देर हो गई और झांसी का पतन हो गया। झांसी की रानी कुछ आदमियों को लेकर के कालपी पहुंच गई, कालपी में घिर गई। अच्छा, कालपी हमको जाना है 2 दिन के बाद। तो कालपी वही जगह है जहाँ पर अंग्रेजों ने झांसी की रानी को घेरा था। हाँ, वहाँ का राजा पांडुरंग था, उसने झांसी की रानी को शरण दी थी और झांसी में घेरा पड़ गया था। ये नवाब बांदा तब पहुंचा था वहाँ और उसने किले अंग्रेजों को पीछे से हमला कर दिया था। अंग्रेजों की सेना बिगड़ गई, मतलब भागने लगे, लेकिन उसी समय कानपुर का जनरल नील बंदूक वाली आर्मी लेकर के आ गया और बांदा नवाब की सेना पर हमला कर दिया, जिससे युद्ध का व्यू बिगड़ गया और क्रांतिकारी बाजी हार गए। गोपालपुरा में क्रांतिकारी फिर इकट्ठा हुए, कालपी से कुछ दूर पर है, फिर अब क्या किया जाए, कोई किला नहीं बचा। तो तात्या टोपे ने मशवरा दिया कि ग्वालियर में कब्जा कर लिया जाए। तो सेना चली ग्वालियर, बहादुरगढ़ के पास अंग्रेजों की टीम से फिर हमला युद्ध हो गया, तो वहाँ पर अंग्रेजों को हरा दिया इन्होंने, जिसमें वो क्रांतिकारियों में बांदा नवाब, झांसी की रानी, तात्या टोपे, पांडुरंग कालपी के राजा, ये सारे वीर मौजूद थे। और इस दौरान झांसी की रानी कहाँ थी? रानी रक्षा उन्हीं के साथ थे ना। अच्छा, युद्ध में साथ लड़ रही थी वो, सब इतने लोग साथ थे, पूरी क्रांतिकारी मंडल था, वो भारत की क्रीम क्रांतिकारी दल था, अगर वो हार गए तो भारत हार गया। परफेक्ट है। तो वो लड़ रहे थे, उन्हीं के हाथ में फैसला था हिंदुस्तान का, कि अंग्रेज रहेंगे कि भारतीय रहेंगे, वही लड़ रहे थे, सारे लोगों की आशा उन्हीं पर टिकी हुई थी। और वो बहादुरगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया और उसके बाद कालपी पहुँचे, वो ग्वालियर पहुँचे और ग्वालियर में हमला किया और वहाँ का राजा जियाजी राव सिंधिया युद्ध हार गया और आगरा की ओर भाग गया और ग्वालियर में इन सारे लोगों ने कब्जा कर लिया, झांसी की रानी, बांदा नवाब, पांडुरंग, तात्या टोपे, और आराम से 3 महीने तक वो कब्जा बना रहा। चूँकि वो राजा मरा नहीं था, अंग्रेजों से मिला हुआ था, इसलिए आगरा से एक बड़ी सेना लेकर के अंग्रेजों की आ गया और कालपी पे फिर हमला कर, ग्वालियर में फिर हमला कर दिया। वहीं आखिरी युद्ध हुआ झांसी की रानी का, और बांदा नवाब भी साथ में थे, और झांसी की रानी के किले से, वो ग्वालियर के किले से निकलकर कोटा की सराय एक जगह है, वहाँ पर आखिरी जंग हुई, जहाँ पर रानी घायल हुई। बांदा नवाब का रोल उसमें है,
जब उसने देखा कि झांसी की रानी को धोखे से मारे दे रहा है, तो तत्क्षण नवाब ने मुड़ करके भाले से उस पर वार किया और दोनों हाथों से खटक थाम रानी ने वज्र प्रहार किया। जैसे वो घायल हुआ तो रानी ने उसका गर्दन का लड़ती थी इसी जगह रानी, निज देश भक्ति का सार पिए, दांतों से अश्व लगाम दाब दोनों हाथों तलवार लिए, पर कहां भाग्य ने साथ दिया उर बिंधा शत्रु की गोली से, कंधा दे रहे मित्र खोए कुलभूषण खोया झोली से, अरिव्यूह तोड़ कर निकल गई था कौन उसे जो छू पाता, और नाले को अश्व न लांग सका वरना इतिहास बदल जाता। रानी जो खत्म हुई वो वहीं हुई कोट स्वर्ण रेखा नाले के पास। ये कहाँ पर है ये नाला? वो ग्वालियर से 15 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और वहाँ पर रानी का घोड़ा बना हुआ है, रानी की मजार बनी हुई है। तब चार लोग केवल जीवित थे, रानी का मंत्री जवाहर सिंह, गुल मोहम्मद पठान, बांदा नवाब। तो जिन लोगों ने उसे घायल रानी को किया था, तलवार मार दी थी, गोलियां मार दी थी, उन सबको उनने तीनों ने चारों ने मार डाला। तो आपका मतलब है जो 12,000 लोग बांदा चार बचे उसमें से केवल चार लोग फाइनली बचे? हाँ, बस दो बचे, एक तो उनका मंत्री ही था गुल मोहम्मद और बांदा नवाब, दो ही लोग बचे, बाकी वो शहीद हो गए। सहसाद युद्ध लड़े ना, लड़ते चले गए, अंग्रेजों के घटे नहीं इनके घटते गए। बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो आखिरी तक लड़े, कोई लौट के नहीं आया। तो अगर बांदा नवाब एक दिन पहले पहुंच जाते तो भारत का इतिहास दूसरी तरीके से लिखा। मैं वही सोच रहा हूँ कि झांसी की रानी बच जाती। हाँ, बच जाती। यहाँ पर सामने ये मेमोरियल है, क्या है ये? दरअसल उन शहीदों के स्मारक हैं जो नवाब बांदा के पतन होने के बाद, बांदा में जब अंग्रेजों का दखल हो गया, यहाँ का जो कलेक्टर था यूमेन, उसने और अंग्रेजों की सेना बुलाई और उन घरों के लोगों को पकड़वा के मंगवाया जिनके घरों के लोग नवाब के साथ झांसी की रानी की मदद में गए थे। अच्छा जी। ऐसे 3300 लोग थे जिनको यहाँ फांसी दी गई, उनकी यादगार में ये स्मारक बना। जिसके घर से झांसी की रानी को सपोर्ट मिला, हाँ, कोई भी एक मेंबर दो मेंबर गए उनको, वो उनके घर के जो बाकी बचे युवा सबको फांसी दे दी। हाँ, सबको फांसी दे दी। 3300 लोगों को फांसी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ बांदा का जेटीआर में 1860 में यहाँ के कलेक्टर ने, चूंकि अंग्रेज था तो खाली 800 लिखे हैं बांदा का जेटीआर, क्योंकि उनने लिखवाया तो उन्होंने घटा के लिख दिया ताकि लोगों में और ज़्यादा ना वो फैले, और 3300 लोग मारे गए थे यहाँ पर। ये वो स्थान है। कश्यप जी, मुझे लगता है हम बहुत लकी हैं, हमारी आपसे मुलाकात हुई। आपने हिस्ट्री के बारे में तो बताया जो जानकर बहुत कुछ मालूम चला, और साथ में जो आप समाज सेवा का काम करते हैं वो जानकर तो मेरे को बेहद खुशी हुई। तो ये क्या सामने? ये राष्ट्रीय ध्वज हैं जो प्रत्येक वर्ष 4200 तिरंगे बना करके मैं यहाँ जनपद में छात्रों को, छात्राओं को और समाज के गणमान्य लोगों को, प्रेस के बंधुओं को, सभी प्रशासन के लोगों को भेंट करता हूँ। धन्यवाद। और ये एक तिरंगा मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। बहुत बहुत। ये लकड़ी के स्वनिर्मित तिरंगे हैं ताकि आपको यादगार रहे और राष्ट्रीय भाव मेरा आपके साथ जाए। अति सुंदर ये तिरंगा लकड़ी। इससे बेहतर गिफ्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता था आपकी तरफ से। जी जी जी, अति सुंदर, बेहतरीन। तो हमें इजाज़त दीजिए। बहुत सुंदर बांदा, हमारा विजिट अच्छा रहा और आज रात को हम महोबा में नाइट स्टे करने वाले हैं। जी जी जी, ठीक है जी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप एक बहुत बड़ा अच्छा मिशन, लोग इतिहास को जानना ही नहीं चाहते, वर्तमान में जीना चाहते हैं, और ये निश्चित है आप जैसे आप लोग और आपकी सारी टीम के लोगों के प्रयास को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतिहास में जो छुपी हुई बातें हैं, जो इतिहास से में जो दफन हुई बातें हैं उसको ऊपर लाने का प्रयास किया, मुझे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो इतिहास नहीं जानता वो समाज के भूगोल को नहीं बदल सकता, इसलिए समाज के इतिहास को जानने के लिए आप लोग जो इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें और अपने अपने मिशनों में कामयाब रहें। बहुत बढ़िया। चलो जी, इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 10:15 हम महोबा पहुँचे हैं। यहाँ पर रहने के लिए हमने 100 Palms होटल में बुकिंग करवाई है। अच्छी एकोमोडेशन है। मेरे को एकोमोडेशन के साथ साथ ना यहाँ का स्टाफ अच्छा लगा, बड़ा एग्रेसिव लोग हैं। गुड होटल ये एकोमोडेशन है, आप देख लीजिए। डीलेक्स रूम है, 2000 rupees इसका डबल ऑक्यूपेंसी में टैरिफ है। एक सुपर डिलेक्स था जिसका 3000 rupees टैरिफ है। दिस इज़ गुड, राइट। अब हमारा प्रोग्राम इस मोमेंट के लिए तो ये है कि स्नान करके क्विक डिनर कर लें,
और सो जाए, और कल सुबह उठूंगा मैं जल्दी, मुझे तो 4:30 बजे तक उठना होगा कल सुबह, क्योंकि आज बहुत सारा जो शूट हुआ है ना उन सबको कॉपी करना, मैं फाइल्स कल की भी देख नहीं पाया था, तो ये डेटा कॉपी ये सब चक्कर में आप जानते हो टाइम लगता है। और कल हम महोबा घूमेंगे, और कल का नाइट स्टे भी हम यहीं पे करेंगे, तो ऐसा हमारा कल के पूरे दिन का महोबा घूमने का प्लान रहेगा, राइट। अभी आपको मैं इधर ही बाय बाय कर देता हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, थैंक्स फॉर योर टाइम।